जैसी करनी वैसी भरनी। पांचवां महानाम सूत्र में भगवान बुद्ध ने घी और कंकड़ पत्थर से भरे दो घड़ों का उदाहरण देकर समझाया कि जैसे हमारे कर्म होंगे वैसा ही फल मिलेगा। एक समय भगवान बुद्ध नालंदा में विहार कर रहे थे। एक दिन 80 बंधक गृहमणि रोता हुआ भगवान बुद्ध के पास आया। भगवान बुद्ध ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? भगवान, कल मेरे बूढ़े पिता की मौत हो गई, लेकिन रोने से तो मैं वापस नहीं आ सकते। मैं समझता हूँ भगवान की रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं आपके पास आया हूँ कि आप मेरे दिव्यांग पिता के लिए कुछ कीजिए। मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे दिव्यांग पिता के लिए? भगवान, आप जरूर कुछ कर सकते हैं, आप तो करुणा सागर और शक्तिमान हैं। पंडे पुजारी, जादू टोना, तंत्र मंत्र करने वाले बाजीगर तो मरे हुए लोगों के लिए तरह तरह के क्रियाकर्म करवाते हैं, जिससे मरने वालों को स्वर्ग में जगह मिल जाती है। आप तो इतने महान, और आप मेहरबानी कर मेरे पिता के लिए कोई क्रियाकर्म कर दीजिए, जिससे वह भव सागर तर जाए। भगवान बुद्ध ने उसकी दिशा देखकर समझ लिया कि केवल शब्दों में समझाने से यह नहीं समझेगा। भगवान बुद्ध ने उस युवक से दो मिट्टी के घड़े लाने को कहा। युवक ले आया। बुद्ध ने उससे कहा कि एक घड़े में कंकड़ पत्थर और दूसरे में मक्खन भर दो। युवक ने वैसा ही किया। भगवान बुद्ध ने कहा, अब इन दोनों घड़ों को बंद करके तालाब में डाल दो। युवक ने वैसा ही किया। दोनों घड़े पानी में डूब गए। भगवान बुद्ध ने कहा, अब एक बांस ले आओ और बांस में दोनों घड़े फोड़ दो। युवक बुद्ध खुश था कि इधर घड़े फूटे और उधर उसके पिता के लिए स्वर्ग का दरवाजा खुला। युवक ने बांस से घड़े फोड़ दिए। घड़े फूटते ही घी और मक्खन पानी के ऊपर तैरने लगे और कंकड़ पत्थर तालाब की तरह तह में चले गए। भगवान बुद्ध ने युवक से कहा, इतना क्रियाकर्म तो मैंने करवा दिया, अब अपने पंडे पुजारियों को बुलाकर उनसे तंत्र मंत्र के जरिए घी को पानी के नीचे और कंकड़ पत्थर को पानी के ऊपर लाने को कहो, मैं भी देखूं वह कैसे कर पाते हैं। भगवान, आप तो मजाक कर रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? कंकड़ पत्थर पानी से भारी हैं, इसलिए नीचे ही रहेंगे, और घी मक्खन पानी के हल्के में हैं, इसलिए पानी के ऊपर तैरेंगे, नीचे नहीं जा सकते, यह प्रकृति का नियम है, युवक ने कहा। भगवान बुद्ध बोले, नवयुवक, तुम प्रकृति के नियम को तो इतनी अच्छी तरह जानते हो, लेकिन यह नहीं जान पाए कि तुम्हारे पिता ने अगर अच्छे कर्म और पुण्य कर्म किए होंगे तो उनकी सदगति ही होगी, और कोई उनके नीचे के लोक में नहीं भेज सकता, और अगर कंकड़ पत्थर की तरह दुष्कर्म और पाप किए होंगे तो दुर्गति ही होगी, कोई उन्हें सदगति नहीं दिला सकता। इसलिए प्रगति के नियम को समझो और प्रगति के नियमों के अनुसार शील और सदाचार का जीवन जियो। युवक समझ गया कि जैसी करनी वैसी भरनी होगी, कोई उसे बदल नहीं सकता। हमें भी पंडे पुजारियों, ज्योतिषियों और ऋषियों के चक्कर में ना पड़कर शील सदाचार का जीवन जीकर पुण्य कर्म करने चाहिए और पाप कर्मों से बचना चाहिए। अंगुलीमाल और गौतम बुद्ध। प्राचीन काल की बात है, मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था जो मगध देश के जंगल में रहता था। जो भी राहगीर उस जंगल से गुजरता वह उसे रास्ते में लूट लेता था और उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर माला के रूप में अपने गले में पहन लेता था। इसी कारण लोग उसे अंगुलीमाल कहते थे। एक दिन उस गांव में भगवान बुद्ध आए। लोगों ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया। भगवान बुद्ध ने देखा वहां के लोगों में कुछ डर सा समाया हुआ है। भगवान बुद्ध ने लोगों से इसका कारण जानना चाहा। लोगों ने बताया कि इस डर और आतंक का कारण डाकू अंगुलीमाल है। वह निरअपराध राहगीरों की हत्या कर देता है। भगवान बुद्ध ने मन में निश्चय किया कि उस डाकू से अवश्य मिलना चाहिए। बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हो गए।
तो गांव वाले ने उन्हें बहुत रोका, क्योंकि वह जानते थे कि उंगली माल के सामने से बच पाना मुश्किल ही नहीं असंभव भी है। लेकिन बुद्ध अत्यंत शांत भाव से जंगल में चले जा रहे थे, तभी पीछे से एक कर्कश आवाज कानों में पड़ी, ठहर जा, कहां जा रहा है। बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। पीछे से और जोर से आवाज आई, मैं कहता हूं ठहर जा। बुद्ध रुक गए और पीछे पलटकर देखा तो सामने एक खूंखार काला व्यक्ति खड़ा था। लंबा चौड़ा शरीर, बड़े हुए बाल, एकदम काला रंग, लंबे लंबे नाखून, लाल लाल आंखें, हाथ में तलवार लिए वह बुद्ध को घूर रहा था। उसने गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत डरावना सा लग रहा था। बुद्ध ने शांत व मधुर स्वर में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल ने बुद्ध के चेहरे की ओर देखा, उसके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थर थर कांपने लगते थे। उंगलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला पहन रखी है। बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना, डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर है। उंगलीमाल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूँ, मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूँ। बुद्ध बोले, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ के 10 पत्ते तोड़ लाओ। उंगलीमाल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है, कहो कहो तो मैं पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की जरूरत नहीं है, यदि तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को पेड़ से जोड़ दो। उंगलीमाल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे हुए पत्ते भी जुड़ सकते हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते हो तो काटने में तुम्हें क्या बहादुरी है? उंगलीमाल आवक रह गया। वह भगवान बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अंजनी शक्ति ने उसे हर्द को बदल दिया। उसे लगा कि सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह भगवान बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महामानव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भटक गया था, आप मुझे शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। और भगवान बुद्ध के पीछे पीछे उंगलीमाल बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि करता हुआ चल पड़ा।